हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह। पूजा कॉर्नर शेयर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी जो इडली है वो बच जाती है, या फिर हमें इडली में थोड़ा सा जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। तो वही चेंज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम सिंपल तरीके से इडली को थोड़ा सा फ्राई करके इसके टेस्ट में जो है हम चेंज ला सकते हैं, किस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा भी लगेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इसको टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं, या फिर साबुत भी इसको ऐसे ही इसको फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसे कट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि इसे खाने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। एक इडली के मैंने 4 पीस किए हैं, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो चलिए अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम तेल डालेंगे। हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है, इसमें अब हम तेल डालेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ, सरसों तेल। आप जो भी तेल यूज़ करते हो आप वो तेल डाल सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच डालेंगे हम मस्टर्ड सीड, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है अच्छे से चटक गई है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। अब क्या डालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा चटपटा सा इसमें स्वाद आ जाए। तो थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाल दी है। डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे। एक कलछी लीजिए और उसे चला लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम अपनी कटे हुए इडली को डाल देंगे। ये देखिए सारी इडलियों को हम डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से चला लिया है। फ्राई करते टाइम जो है जो गैस का फ्लेम है हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो सके। हमारी जो इडली है वो अच्छे से गरम भी हो जाए अंदर तक, जिससे कि उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए। तो आपको जो है इसे 5 मिनट तक बिल्कुल फ्राई करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए। आप चाहे तो ज़्यादा टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, 10 मिनट भी फ्राई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्रंची पसंद है तो। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी इडली भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी और कड़ी पत्ते हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको और हम पका लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारी इडली फ्राई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको अब एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी सिंपल सी इडली फ्राई जो है अच्छी लगे तो एक वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसे खाना आप स्टार्ट करिए, मैं तो खाने जा रही हूँ। खाने का बहुत आसान तरीका, ऐसे लगाएं और खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।